मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे उनके द्वार कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई क्राइसिस कमेटी के लोगों से ऑनलाइन चर्चा कर ब्लैक फंगस सहित अन्य कई मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में जिला प्रशासन, नगर निगम अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कोरोना व ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम का कहना था कि हर जिले में एक पोस्ट कोविड 19 का निर्माण किया जाना है। इस बीमारी और महामारी को हमें आंदोलन के रूप में लेना है। गरीबों के लिए सरकार निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है व जिनके पास पात्रता नहीं है उन्हें भी अनाज दिया जा रहा है और स्पीड वेंडर के खातों में सरकार द्वारा रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी के साथ ग्रामीण स्पीड वेंडरों व निर्माण श्रमिकों के खाते में भी पैसा डाला जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में उन्हें सहायता मिल सके। लेकिन इंदौर में तो हमने मेडिकल कॉलेज में एक बात बनाई ही है, हर जिले में भी एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है और अब तो हम ये तय कर लें कि इलाज के दौरान ही पेशेंट्स के शुगर लेवल क्या है, बाकी पैरामीटर्स क्या है और ब्लैक फंगस की जांच बहुत आसान होती है, केवल नेजल इंडोस्कोपी करनी होती है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने पूरे प्रदेश को अब निर्देश दिए कि इसको आंदोलन के रूप में लेते हम और जरा भी संदेह हो तो अगर पहले से ही नेजल इंडोस्कोपी करके देख लेंगे और नाक में ही अगर हमने पकड़ लिया ब्लैक फंगस को तो वो फिर खतरनाक नहीं वहाँ इलाज हो सकता है। अगर वो नाक से आँख में और ब्रेन में चला गया तब वो खतरनाक हो जाता है। तो वो भी निर्देश दिए हैं, इंदौर को भी इसमें लीड करना है ब्लैक फंगस के इलाज में भी और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी हमें इकट्ठा करना है, विशेषकर ENT विशेषज्ञ हैं और उनके सहयोग से भी हम ब्लैक फंगस की इंडोस्कोपी करके, नेजर इंडोस्कोपी करके समय पर पहचान के इलाज करने का उसका भी हम प्रयास करेंगे। कई तरह की चीज़ें हमने की है, आप जानते हैं कि गरीबों को निःशुल्क राशन मिल जाए वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कई नई श्रेणियाँ जोड़ दी उसमें जिसके कारण कोई का नाम भी नहीं हो तो उसको भी हम राशन दे पाए। हमने पिछले दिनों स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी पैसा डाला था, अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी डाल रहे हैं और हमने ये भी फैसला किया कि जो निर्माण श्रमिक हैं हमारे जो कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे रहते हैं उनके खाते में भी 2-3 दिन में हम लोग पैसा डालने वाले हैं ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी आजीविका चलती रहे। तो राहत देने के हमारे अनेकों काम वो जारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन लगभग समाप्त हो गया है, सफलतापूर्वक हमने किया है, तो बाकी गतिविधियाँ भी एकदम किसान की और बाकी सपना हो उसकी कोशिश भी की है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे इंदौर संभाग में संक्रमण अब नियंत्रण में है। चुनौती हमारे लिए आज भी इंदौर है, नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 खरगोन और नंबर 3 धार। बाकी जिले अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम टॉप की स्थिति में हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर बहुत अच्छी स्थिति में, 1% के नीचे पॉजिटिविटी है इनकी। बड़वानी भी हमारा बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है। तो हमारा इंदौर संभाग मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला मध्य प्रदेश में हो सकता है। इंदौर संभाग लीड करेगा, वैसे भी इंदौर ने लीड किया है। ये इन जिलों की स्थिति बहुत अच्छी है, 1% के नीचे जो जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पॉजिटिविटी है। इंदौर में हमारे सामने निश्चित तौर पर महानगर में स्वाभाविक है, यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, दूसरी चीज़ है, समस्याएं भी है। मैं नहीं कहता कि